प्रोफेसर श्याम बिहारी जी की उपस्थिति में उस नाम को बुलाना चाहता हूँ, उस बिटिया को बुलाना चाहता हूँ जो टंकार की बात करती है, जो देश की बात करती है। हमारी छोटी बहन शिल्पी सक्सेना यहाँ पर उपस्थित है। माननीय विधायक जी, मैं आपकी मौजूदगी में मैं अपनी छोटी बहन शिल्पी सक्सेना जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ काव्य पाठ के लिए। आप सबका मन, आप सबकी आशीर्वाद शिल्पी को मिले। इन चार पंक्तियों के साथ मैं शिल्पी को आमंत्रित करता हूँ। इन चमकदार कतारों पर नजर रखती हूँ, आपकी तालियां उठें। इन चमकदार कतारों पर नजर रखती हूँ, सूखे बेदाग अंगारों पर नजर रखती हूँ। इन चमकदार कतारों पर नजर रखती हूँ, सूखे बेदाग अंगारों पर नजर रखती हूँ। देकर मिट्टी के खिलौने मुझे ना बहलाओ, मैं जवानी हूँ सितारों पर नजर रखती हूँ। जोरदार तालियां शिल्पी सक्सेना। माँ रानी को नमन, आदरणीय मंच को प्रणाम, और उपस्थित सभी श्रोताओं को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत स्नेहिल लोग, मेरे बहुत से परिचित चेहरे मैं सामने देख रही हूँ। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप सभी यहाँ आए। व्यापार मंडल का ये कार्यक्रम है। व्यापारियों का थर्सडे का ही एक दिन मिलता है जो वो अपने परिवार को देते हैं, और मैंने अक्सर देखा है, अधिकतर आप जैसे बैनर पे भी देख रहे हैं, अग्रवाल गुप्ता मेरे भी बहुत पड़ोसी हैं, तो शाम का समय उनका फिक्स है राजेंद्र नगर जाके चाट खाने का। और आपने अपना वो वाला कीमती समय हम सभी को दिया, तो एक बार आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, और मैं फिर आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। 20 दिन से मैं रेस्ट पर थी और 21वें दिन मैं आपके बीच कविता पढ़ने आई हूँ, तो ये आपका स्नेह है, आपका प्यार है, आपका प्रेम है जो मुझे यहाँ खींच के लिए आया है। मैं अपनी ओर से प्रयास करूंगी कि मेरी ऊर्जा में, मेरी कविता में, मेरे शब्दों में मैं कमी नहीं आने दूंगी। बदले में आप सभी से एक आश्वासन चाहती हूँ कि आप अपने आशीर्वाद में, अपने प्रेम में, अपने स्नेह में, अपनी तालियों में कमी ना आने दें, और एक बार मुझे मन दे दें कि मैं काव्य पाठ प्रारंभ कर सकूं। बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए, तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पीछे इतना सन्नाटा पस रहा है, आप सभी भी कवि सम्मेलन सुन सकते हैं। बहुत बहुत आमंत्रित मैं करती हूँ आपको, और मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ, मंच का आशीर्वाद चाहती हूँ। स्वागत है। मैं क्या लिखती हूँ, क्या पढ़ती हूँ, देश की बातें बहुत से लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ, बस एक चीज़ है चाटुकारिता, वो मैं नहीं कर पाती। मैं ज़मीन के गीत लिखती हूँ, लोगों के गीत लिखती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि गिने हुए चार लोगों को अगर कविता सुननी होगी, गीत सुनना होगा, वो पैसे देके लिखवा सकते हैं, मगर जो जनता की बात करनी है उसको करने के लिए कवि का एक धर्म होता है। और मैं मानती हूँ मेरा ये कर्तव्य है कि मैं जनता की बात करूँ, आप सभी के मन की बात करूँ, व्यापारियों की मन की बात करूँ, उपभोक्ताओं के मन की बात करूँ, और देश की बात करूँ। मैं क्या लिखती हूँ, पंक्तियों से आप सभी से जोड़ने का प्रयास करती हूँ, सुने। स्वागत। अपनी माटी के गीत लाई हूँ, अपनी माटी के गीत लाई हूँ, भीनी खुशबू भी संग लाई हूँ, अपनी माटी के गीत लाई हूँ, देश के गीत, देश की बातें, गीत में मैं स्वदेश लाई हूँ, गीत में मैं स्वदेश लाई हूँ, अपनी माटी के गीत लाई हूँ। और चार पंक्तियां मैं इस प्रांगण को, इस परिवेश को और आप सभी को निवेदित करती हूँ, आपका आशीर्वाद मिले और सही समय पर मिले। सुने, सुनेगा। अपने घर से मैं घर में आई हूँ, अपने घर से मैं घर में आई हूँ, गीत में मन के भाव लाई हूँ, गीत में सच ही गाने आई हूँ, आपका साथ तालियों में मिले, मैं तो आई ना बन के आई हूँ, मैं तो सपने सजा के
आई हूँ, मैं अपनी माटी के गीत लाई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इन पंक्तियों पे आपने साथ दिया। एक बार आप थोड़ा और जीवित कर लें अपने आप को। बीमार मैं हूँ, लग रहा है कि सारा सदन बीमार है। इतनी शांति, इतना सन्नाटा, यहाँ अच्छा नहीं लगता कभी को कभी। नमन कर लें, नमन कर लें। और एक डिमांड आई है भैया की, पर उससे पहले मैं कुछ अपने मन की बात आप तक पहुंचाना चाहती हूं। कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य है। हम सभी अधिकारों की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो उसी का एक अगला भाग है हमारे संविधान में, मौलिक कर्तव्य। तो हमारे क्या कर्तव्य है? हम कवि हैं, हमें क्या लिखना चाहिए, क्या बात करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि श्रृंगार लिखना गलत है, प्रेम लिखना गलत है, मगर मुझे लगता है देश प्रेम सर्वोपरि होना चाहिए, अपनी मिट्टी से प्रेम सर्वोपरि होना चाहिए। तो मैं क्या लिखती हूँ, अपने मन का एक गीत, छोटी सी कविता आप सभी के बीच पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। एक बार आप सभी मुझे मन दे दें, मैं वो कविता आपके स्वागत है। लिखना है गीत लिखो जन के, लिखना है गीत लिखो जन के, मन के गीतों का क्या होगा? लिखना है गीत लिखो जन के, लिखना है गीत लिखो जन के, मन के गीतों का क्या होगा? पायल घुंघरू कंगन चंदन, मन के वंदन का क्या होगा? लिखना है गीत लिखो जन के, लिखना है गीत लिखो जन के, मन के गीतों का क्या होगा? पायल घुंघरू कंगन चंदन, मन के वंदन का क्या होगा? जुड़ा लाली बिंदिया का जल, जुड़ा लाली बिंदिया का जल, सावन भादों काले बादल, जुड़ा लाली बिंदिया का जल, सावन भादों काले बादल, चंचल पुरवा चंचल चितवन, आंचल के रंग का क्या होगा? लिखना है गीत लिखो जन के, मन के गीतों का क्या होगा? मन के गीतों का क्या होगा? मन के गीतों का क्या होगा? जय जयकारे स्तुति वंदन, जय जयकारे स्तुति वंदन, मन के लिखने से क्या होगा? रोदन क्रंदन का चित्र लिखो, झूठे नारों का क्या होगा? झूठे नारों का क्या होगा? लिखना है गीत लिखो जन के, मन के गीतों का क्या होगा? पर्वत नदियां सागर से क्या, पर्वत नदियां सागर से क्या, बादल बिजली कुंजन से क्या? पर्वत नदियां सागर से क्या, बादल बिजली कुंजन से क्या? धरती के गीत लिखो तो लिखो, स्वर्ग गीतों का क्या होगा? स्वर्ग गीतों का क्या होगा? लिखना है गीत लिखो जन के, मन के गीतों का क्या होगा? उपवन फूलों का समय नहीं, उपवन फूलों का समय नहीं, घाटी वादी का क्या होगा? लिखना है इतिहास लिखो, कल्पित भावों का क्या होगा? लिखना है मन के गीतों का क्या होगा? और अगली पंक्तियां मैं मंच को निवेदित करती हूँ। हमारा क्या धर्म है, आप सभी सुने, मन दे। साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है, अपने युग का ये चित्रण है। साहित्य समाज का दर्पण है, अपने युग का ये चित्रण है। झूठ और सच का ये दर्शक है, इनको विचार कर गीत लिखो। लिखना है गीत लिखो जन के, मन के गीतों का क्या होगा? मन के गीतों का क्या होगा? रुक जाए कलम पर बिके नहीं, रुक जाए कलम पर बिके नहीं, रुक जाए कलम पर बिके नहीं, कट जाए शीश पर झुके नहीं, कट जाए शीश पर झुके नहीं। जिन गीतों में सिद्धांत नहीं, ऐसे गीतों का क्या होगा? लिखना है गीत लिखो जन के, मन के गीतों का क्या होगा? मन के गीतों का क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तालियों का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, जो दो चार छः दस मेरे बहुत से अपने चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं। मैं प्रणाम करती हूँ, प्रमेंद्र जी हैं, विशाल जी हैं, सभी को नमन कर लो, विधायक जी, सभी को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। नाम लूंगी तो शायद कोई छूट जाएगा।
और बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। हमारी बिरादरी के भी बैठे हुए हैं। और एक गीत, यहाँ होली का माहौल है और देश की बातें हो रही हैं, अभी जिक्र किया योगी जी की बातें हो रही हैं। कुछ व्यंग नहीं कहूंगी, बस एक परिकल्पना, एक यथार्थ मैंने लिखा। योगी जी की बात आती है तो लोग उसे राम से जोड़ते हैं, राम राज्य से जोड़ते हैं। क्या आप जानते हैं राम राज्य का अर्थ क्या है? राम राज्य होता क्या है? क्या आपको लगता है एक मंदिर में दिया जलाने मात्र से आप राम राज्य ले आएंगे? अभी हमारे शहर में 2 दिवसीय राम कथा का आयोजन हुआ, बहुत भव्य आयोजन था, हम सभी ने मन से सुना, बहुत कुछ सीखा। मगर मेरा मानना है कि महज उस कथा को सुनने मात्र से या सिर्फ दिया जलाने मात्र से आप राम भक्त नहीं कहलाएंगे। आप राम भक्त तब कहलाएंगे जब आप राम जी को अपने आचरण में लाएंगे, अपने स्वभाव में लाएंगे, अपने भीतर राम को लाएंगे, और तभी हम पा जाएंगे एक राम राज्य को। और राम राज्य सिर्फ एक धर्म विशेष का विषय नहीं है, राम राज्य संपूर्ण विश्व फॉलो कर सकता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि राम राज्य की परिकल्पना ही कुछ ऐसी है, राम राज्य एक ऐसा राज्य जहां सभी समान होते हैं, जहां सभी को एक ही दृष्टि से देखा जाता है, ना कोई दुखी ना कोई रोगी। और ऐसे ही राम राज्य के बारे में मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, वो कविता मैं आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ। पर उस कविता को पढ़ने की एक छोटी सी शर्त है कि यहाँ आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक जितने भी लोग बैठे हैं, गीत के दौरान सिर्फ 3 पैराग्राफ का गीत है, 3 स्टैंजा का गीत है, 3 बंदों का गीत है। आप सभी राम का नाम लेते ही हैं, जन्म से मृत्यु तक राम का नाम हम हमेशा लेते हुए चलते हैं। तो मेरे साथ साथ आप गुनगुनाएंगे और तालियों का साज मुझे देंगे तो हम इस आनंद के साथ होली महोत्सव का आनंद लेंगे और सच्चाई की बातें अपनी कविता के द्वारा मैं करूंगी आपके बीच। आइए मेरे साथ एक बार बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आप सभी अब अपने मोबाइल फोन रख दीजिए, पीछे वाले चाट पकौड़ी रख दीजिए, क्योंकि हम अपने ईश्वर की बात करेंगे, हम एक ऐसे आदर्श राज्य की बात करेंगे, यथार्थ की बात करेंगे। मैं आपको अपनी कविता के माध्यम से बताती हूँ कि राम राज्य क्या है आखिर, राम राज्य। और हमने एक सरकार चुनी, हमने उनको वोट दिया, निश्चित ही राम मंदिर उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था, 370 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था, लेकिन विकास भी एक मुद्दा था, विकास हो रहा है। और बरेली वालों से अधिक तो कोई जानता ही नहीं कि कितना विकास हो रहा है, आप किसी भी रोड पे जाइए वहाँ विकास कार्य प्रगति पर है ना। तो उसी विकास के हमारी और क्या मांगे हैं या और क्या हो सकता है? और राम राज्य ऐसा भी नहीं कर सकते कि 8 बजे मोदी जी लाइव आए और कहें मित्रों आज से राम राज्य शुरू। राम राज्य कब आएगा? जब हम अपने भीतर परिवर्तन करेंगे, जब हम अपने भीतर आचरण में श्री राम को लाएंगे, उनके आदर्शों को अपनाएंगे। तो आइए गीत में पढ़ती हूँ, आप सभी के हाथ एकदम फ्री छोड़ दीजिए और तालियों का साज मुझे मिले तो आनंद आएगा गीत का। सर आप भी स्वागत है, सुने सुनिएगा विष्णु मैया। राम राज की ओर चले अब, हो राम राज की ओर चले अब, राम राज की ओर, राम राज की ओर चले अब, राम राज की ओर। श्री राम जय जय श्री राम, श्री राम जय जय श्री राम, गूंजे चारों राम राज की ओर चले अब, राम राज की ओर। ये पीछे वाले लोग जब तक तालियां नहीं बजाएंगे हम बस राम राज की ओर ही गाएंगे, तो पीछे वालों आप भी शामिल हो जाइए। राम राज की ओर चले अब, राम राज की ओर, राम राज की ओर चले अब, राम राज की ओर, राम राज की ओर चले अब, राम राज की ओर। हमारे मध्य हमारे बात यहाँ राम की हो रही थी, हनुमान जी ने ऑलमोस्ट बुलडोजर चलाया है अभी, आप सभी ने साक्षात देखा। और मैं कह रही थी कि राम को हमें आचरण में लाना होगा। अभी हम बरेली वाले हैं, हम रामायण पढ़ते हैं तो राधेश्याम रामायण से शुरुआत करते हैं, आसान शब्दों में हम राम को जान पाते हैं। अभी जल्द ही मैं वाल्मीकि रामायण
पढ़ रही हूँ तो उसकी एक पंक्ति मुझे बहुत पसंद आई थी, और राम राज्य की परिकल्पना की जब बात करती हूँ तो वो पंक्ति आप तक पहुँचाती हूँ कि सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी कि हम सभी को साथ मिलके नया काम करना होगा, विकास में अपना योगदान देना होगा और अपने आचरण में राम को लाना होगा। आइए एक बार बोलिए जय जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं कविता आप तक पहुंचाती हूं, सभी का साथ मिले और पीछे का आवागमन फिर से शुरू हो गया है। अब मुख्य अतिथि भी यहाँ उपस्थित हैं, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, सब अभी अपने स्थान पर बैठे और अपने हाथों को खुला रखें, तालियों का सांस दें और मैं गीत पढ़ती हूँ। स्वागत है। राम राज की ओर चले अब, राम राज की ओर चले अब, राम राज की ओर, राम राज की ओर चले अब, राम राज की ओर। श्री राम जय जय श्री राम, श्री राम जय जय श्री राम, गूंजे चारों। राम राज की ओर चले अब, राम राज की ओर, एक घाट पर पिए साथ में, एक घाट पर पिए साथ में सभी जने अब नीर, एक घाट पर पिए साथ में सभी जने अब नीर। कोई न निर्धन पीड़ित कोई, कोई न निर्धन पीड़ित कोई, पड़े न विपदा भीर, न्याय मिले बस एक भाव से, न्याय मिले बस एक भाव से, रहे न कोई भेद, न्याय मिले बस एक भाव से, रहे न कोई भेद, सड़क मार्ग निर्विघ्न रहे सब हो तरोवर और नी। राम राज की ओर चले अब, राम राज की ओर, श्री राम जय जय श्री राम, श्री राम जय जय श्री राम, गूंजे चारों। राम राज की ओर चले अब, राम राज की ओर, नीच ऊंच का भेद रहे ना, का भेद रहे ना, रहे सनातन भाव, नीच ऊंच का भेद रहे ना, रहे सनातन भाव, ज्ञानवान शिक्षित हो सारे, हो ना कुछ अपवाद, मधुर वचन के भाव रहे सब। तालियां कमजोर है आपकी, अगर सभी लोग कवित्री की बाड़ी में ताली को वादन करेंगे और कुछ अच्छा लगेगा, उनकी हिम्मत बढ़ेगी। सभी से आग्रह है कि ताली को वादन करते रहें। सभी जुड़ के सुने, राम का नाम हम ले रहे हैं, राम राज्य की कल्पना की बात कर रहे हैं, आप सभी तालियां नहीं बजा रहे हैं, और योगी जी और मोदी जी से अपेक्षा रखते हैं कि एक दिन में विकास आपको ला के दे दे, आप कम से कम तालियां तो बजा ही सकते हैं। सुने, नीच ऊंच का भेद रहे ना, रहे सनातन भाव, नीच ऊंच का भेद रहे ना, रहे सनातन भाव, ज्ञानवान शिक्षित हो सारे, हो ना कुछ अपवाद, मधुर वचन के भाव रहे सब, हो ना ईर्ष्या द्वेष, मधुर वचन के भाव रहे सब, हो ना ईर्ष्या द्वेष, भाव इस तरह रहे सभी के जब भी हो संवाद। राम राज की ओर चले अब, राम राज की ओर, श्री राम जय जय श्री राम। गाया भी, श्री राम जय जय श्री राम, श्री राम जय जय श्री राम, गूंजे चारों। राम राज की ओर चले अब, राम राज की ओर, श्री राम जय जय श्री राम, श्री राम जय जय श्री राम, गूंजे चारों। राम
राम राज की ओर चले अब राम राज की ओर। और आखिरी बंद आप सभी के मन का सुने। घंटे शंख बजे मंदिर में, हो घंटे शंख बजे मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त भोर। घंटे शंख बजे मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त भोर। हो निर्विघ्न सभी का जीवन, हो निर्विघ्न सभी का जीवन, रहे न कोई रोग। प्रगति पथ पर बढ़ते जाए, प्रगति पथ पर बढ़ते जाए, आए नए विचार। प्रगति पथ पर बढ़ते जाए, आए नए विचार। कर्म करे निश्चिंत रहे और कर्म करे निश्चिंत रहे और राम हाथ में डोर। राम राज की ओर चले अब राम राज की ओर। श्री राम जय जय श्री राम, श्री राम जय जय श्री राम, गूंजे चारों। राम राज की ओर चले अब राम राज की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियां शिल्पी के लिए उठनी चाहिए।